नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे द बेस्ट टाइम टू विजिट ऊटी। दोस्तों ऊटी एक बहुत ही सुंदर आपका हिल स्टेशन है जो आपका तमिलनाडु के अंदर स्थित है। इसको क्वीन ऑफ द हिल भी कहा जाता है। अगर आप ऊटी जा रहे हैं तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं, जिसमें हैं नीलगिरी माउंटेन, ऊटी लेक, ऊटी रोज़ गार्डन, टी गार्डन्स एंड वाटरफॉल। दोस्तों तो दोस्तों सबसे बढ़िया टाइम है ऊटी घूमने का आपका समर। गर्मियों के टाइम में हिल स्टेशन जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। दोस्तों गर्मियों के टाइम में हर जगह भयंकर गर्मी पड़ रही होती है पूरे इंडिया में, और आप उस समय हिल स्टेशन में जाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो ऊटी का टेम्परेचर आपका समर में मार्च अप्रैल मई जून में जो रहता है आपका टेम्परेचर 23 डिग्री से 31 डिग्री के बीच में रहता है, और ये परफेक्ट टाइम है ऊटी आपका घूमने का। चारों तरफ आपकी हरियाली हरियाली है, टी गार्डन्स है जिनको देख के आप मज़ा आ जाएगा दोस्तों, और काफ़ी सारी लेक्स हैं, वाटरफॉल है। तो अगर आप ऊटी जा रहे हैं इस समय तो बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हैं, जिसमें ऊटी लेक, थ्रेड गार्डन, कोलहट्टी फॉल, टाइगर हिल, अन्नामलाई टेम्पल और बिशप वैली। और दोस्तों ये आपका पीक सीजन में से एक टाइम है। अगर आप ऊटी जा रहे हैं इस समय तो आपको होटल के रेट थोड़े से महंगे मिलेंगे दोस्तों, कि जो आपका होटल जो 1500 रुपये का ऑफ सीजन में होगा वो इस सीज़न में आपको 3000 रुपये का 3-स्टार होटल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो 3-स्टार होटल की रेंज जो है 3 से 4 हज़ार के बीच में, और 4000 से ऊपर आपका 4-स्टार होटल आपको आराम से मिल जाता है दोस्तों। पर ये परफेक्ट टाइम है आपका ऊटी घूमने का समर। तो दूसरा सबसे बढ़िया टाइम है आपको ऊटी घूमने का विंटर। दोस्तों विंटर में ऊटी में बर्फबारी नहीं पड़ती, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ ऊटी में स्नोफॉल नहीं होती दोस्तों, पर यहाँ का टेम्परेचर जो होता है बिलो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको सर्दियों के कपड़े ले जाने होंगे, जैकेट्स वगैरह आप लेके जाइए, और परफेक्ट टाइम है आपका घूमने का वहाँ पर, बिकॉज इस समय ऊटी के अंदर काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होते हैं। ऊटी फेमस है टी गार्डन्स के लिए, तो इस समय टी एंड टूरिज्म फेस्टिवल्स होते हैं जिसके अंदर बहुत तरह के आपके टी प्लांटेशन की पत्तियाँ होती हैं जिनकी अलग अलग तरह की चाय पिलाई जाती है दोस्तों लोगों को। तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्टॉल लगता है, पूरा एक फेस्टिवल होता है जहाँ पर लोग अलग अलग तरह की बगानों की आपकी टी निकाल के, पत्तियाँ निकाल के उनकी टी बना के लोगों को पिलाते हैं, वो बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों। अगर आप जा रहे हैं तो विंटर में जा सकते हैं, बहुत बढ़िया टाइम है यहाँ पर आपको घूमने का, इंजॉय करेंगे दोस्तों। और कुछ प्लेसेस है जो आप इंजॉय कर सकते हैं, डॉल्फिन नोज, देवरता पार्क, कैरन हिल, पाइकल लेक, कैथरीन फॉल, ऊटी रोज़ गार्डन। दोस्तों बढ़िया जगह है, एकदम विंटर में घूमने लायक है। सारे प्लेसेस पे आप आराम से घूम सकते हैं, टेम्परेचर आपका जो है 15 डिग्री से नीचे होगा, मज़ा आएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप दिसंबर और जन के फर्स्ट वीक में जाएंगे, फॉर एग्जांपल दिसंबर लास्ट वीक आपका पड़ेगा क्रिसमस और न्यू ईयर पड़ेगा दोस्तों, उस समय आप जाइए, काफ़ी सारी दुनिया यहाँ पर जाती है इंजॉय करने के लिए, और काफ़ी मज़ा करके आते हैं। पार्टीज़ भी होती हैं होटल्स के अंदर जिनके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं दोस्तों। तो परफेक्ट टाइम आपका विंटर ऊटी घूमने का। तीसरा समय आता है आपका मानसून। मानसून आपका चलता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने आपके मानसून के होते हैं। और मानसून में भी आप ऊटी घूम सकते हैं, बारिश होती है तो उसमें क्या होता है टी गार्डन बहुत ही अच्छे लगते हैं दोस्तों, बहुत मज़ा आता है उस समय आपको टी गार्डन घूमने के अंदर। और ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाएंगे, पर आप रेन में भी घूम पाएंगे आराम से। पर ये रेनी सीज़न जो होता है हमेशा ऑफ सीज़न है आपका ऊटी का, तो ऊटी का ये जो ऑफ सीज़न है इसके अंदर आप को जो होटल के रेट होंगे काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे दोस्तों। जो आपका 3000 का होटल जो होता है पीक सीज़न में मिलता है, वो आपको ऑफ सीज़न में मात्र 1000 रुपये का मिलता है दोस्तों। तो अगर आप मानसून में जा रहे हैं तो मानसून वैसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बारिशों के आने पे कभी भी रोड्स वगैरह आपकी स्लिपरी हो जाती हैं, खतरा रहता है एक्सीडेंट्स का। पर दोस्तों ये आपका ऑफ सीज़न भी है, और अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो कुछ प्लेसेस हैं जिनको आप घूम सकते हैं, जैसे बोटैनिकल गार्डन, एमरल्ड लेक, सेमी पार्क और बहुत सारी और जगहें जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं ऊटी में जाके मानसून में। मानसून में अगर आप जाएंगे 7-8 हज़ार के अंदर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा टूर, 2 दिन का दोस्तों, 2 नाइट 3 डेज का, आराम से आप 7000 के अंदर ऊटी घूम लेंगे वहाँ पर। तो दोस्तों ये थे आपके 3 सीज़न जब आपको ऊटी घूम सकते हैं। सबसे बेस्ट सीज़न आपका समर और विंटर दोस्तों। तो दोस्तों समर और विंटर में जाइए और इंजॉय करके आइए आप ऊटी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।